है। अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, कोई रिलीजियस एजेंडा लेकर, कोई कास्टिज्म एजेंडा लेकर डिवाइड एंड रूल करने के लिए कोई एजेंडा लेकर अगर खड़ा हो जाए, लेकिन आप कानून देखिए, जो आए हुए है वो तो ऐसे नागरिक है बहुत दिन पहले से है। 28 जनवरी को यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगना के एक पब्लिक रैली के दौरान ये दावा करते सीए को अगले 7 दिन के अंदर वेस्ट बंगाल समेत पूरा इंडिया में लागू किया जाएगा और इसी वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में हलचल मच गया। 24 के इलेक्शन से पहले सीए इम्प्लीमेंटेशन बीजेपी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और सीए का फायदा क्या है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभजीत एंड वेलकम टू फैक्टोस। शांतनु ठाकुर के रिस्पांस में सीएम ममता बनर्जी कहते हैं, अगर कोई सरकार कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर, कोई रिलीजियस एजेंडा लेकर, कोई कास्टिज्म एजेंडा लेकर डिवाइड एंड रूल करने के लिए कोई एजेंडा लेकर अगर खड़ा हो जाए, लेकिन आप कानून देखिए, जो आए हुए है वो तो ऐसे नागरिक है बहुत दिन पहले से है। अभी बोलते हैं उसको 5 साल फॉरेनर्स करने पड़ेगा पहले, कब बाद उसको नागरिकता देगा कि नहीं देगा गवर्नमेंट का ऊपर है। अगर वो फॉरेनर्स बन गया तो जो नौकरी करते हैं उसको नौकरी नहीं जाए, जो पढ़ाचुना करते हैं उसको पढ़ाचुना नहीं जाए, जिसको घर प्रॉपर्टी जिसको खरीदा, जो गरीब लोगों का सबसे ज्यादा इसमें बेइज्जती होगा। इस घटना का शुरुआत हुआ 1 महीने पहले अमित शाह के वेस्ट बंगाल के विजिट के दौरान। अमित शाह ने एक पब्लिक मीटिंग में सीए क्यों होना चाहिए और सीए को लेके ऑपोजिशन पार्टी लोगों में क्या गलतफहमियां फैला रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जहां पे शाह ने सीए को लेके दीदी के एक्चुअल मोटिव के ऊपर भी क्वेश्चन किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब है शरणार्थी जो आए हैं उनको सीए के माध्यम से नागरिकता देगी। और दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर कि सीए होगा नहीं होगा कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर आ जाता हूँ, सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिले। मगर 24 के लोकसभा से पहले बीजेपी के एमपी शांतनु ठाकुर हो या अमित शाह, सीए जैसे सेंसिटिव मुद्दे पे ऐसे स्टेटमेंट की वजह क्या है, जिसके लिए इसके पीछे का पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। पहले जान लेते हैं सीए है क्या। सीए का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। CAA 1955 का सिटीजनशिप एक्ट का एक रिवाइज वर्जन है, जिसे 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट के दोनों हाउस से 10th और 11th तारीख को CAA बिल पास हुआ। CAA और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट्स को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में शरण लिए थे उन्हें सिटीजनशिप देने के बारे में है। सीए कभी भी इंडियन मुस्लिम नागरिक के लिए नहीं था। हाँ, सीए के एक क्रिटिसिज्म है, इंडिया जैसे सेकुलर कंट्री में क्यों मुस्लिम माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा है, इसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है। 1947 में जब इंडिया को बंटवारा हो रहा था, मुस्लिम एकमात्र रिलीजियन था जो धर्म के बेस पे बंटवारा किया। इसके अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है जो मुस्लिम माइग्रेंट्स को पना दे सकता है, मगर देते नहीं है, क्योंकि इसे पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों हर्ट होता है। मगर जब बात इंडिया के आते हैं, यही कंट्री हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। यहाँ पे एक डेटा के ऊपर गौर कीजिए, 1947 में बंटवारा के टाइम पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन था 20.4% और आज वही पॉपुलेशन 1.6%। इनमें ज्यादातर हिंदू फैमिलियों को आइदर कन्वर्ट किया गया और मार दिया गया। इंडिया में 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन थी 9.8%, आज वही पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 4.28% बढ़ के 14.28 हो गया है। इंडियन पॉलिटिक्स में दो टाइप का वोट बैंक है, एक है मेजोरिटी वोट बैंक और दूसरा है माइनॉरिटी वोट बैंक। टीएमसी, आप, डीएमके जैसे जितने भी आंचलिक दल है वो माइनॉरिटी वोट बैंक के राजनीति के ऊपर डिपेंड करके अपना सरकार बनाता है और हर बार सीएए एनआरसी की डर दिखा के लोगों को वोट मांगता है और बीजेपी इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स को जड़ से मिटाना चाहता है। बीजेपी के कई मंत्रियों ने बहुत बार कोशिश किया इस पॉलिटिकल मूव को इन्वेलेट करने की, मगर सक्सेस नहीं मिला और यही मेजर रीजन है 24 के इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट सीए को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। इसी एक चीज से दोनों प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। पहला तो जितने भी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स है वो बीजेपी वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड, 2019 बीजेपी मैनिफेस्टो में किया हुआ वादा सीए के वादा पूरा हो जाएगा, बीजेपी गवर्नमेंट की एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट हो जाएगा। बीजेपी
बीजेपी के 2019 मैनिफेस्टो में किया गया वादा में से अब देखना यह है कि सीए को बीजेपी गवर्नमेंट 24 के इलेक्शन से पहले इंप्लीमेंट करते या बात किसी बात पे। नोबेल लॉरिएट एंड इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का कहना है कि बीजेपी सीए को इसीलिए इंप्लीमेंट करना चाहता है क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के रोल को बीजेपी कम करना चाहता है। मिस्टर सेन के ये बात झूठ नहीं है, मगर सही है या नहीं है ये बात आप कॉमेंट में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।